शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बना रही हूँ रेनबो ट्रैफल। उसके लिए जो अज़ा चाहिए वो ये है, 2.5 किलो दूध है, 2 अदद मैंने सेब काट के पानी में चीनी मिक्स करके रख दी है, ये ग्रीन कलर की जेली है और ये भी जेली है, ये मैंने पहले ही बना के रख ली है। आधा कप पानी में इसे बनाएं तो ठीक रहता है और इसको गहरे बर्तन में डालना है तो इसके क्यूब्स अच्छे कटेंगे। अनार अनार है, केला है, ये केक है, अंगूर के अंदर बीज होते हैं तो मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं अंगूर के, और ये बलाई चाहिए मुझे, और ये ग्रीन मैंने 4 किस्म के कस्टर्ड बनाने हैं तो उसके लिए मुझे ये ग्रीन कलर और येलो और पिंक कलर का ये स्ट्रॉबेरी मैंगो और बनाना ये लिया है मैंने कस्टर्ड, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। हर कस्टर्ड में मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं हर कस्टर्ड के। तो चले अब स्टार्ट करते हैं। ये दूध को दूध 2.5 किलो है तो 4 कस्टर्ड बनाने हैं तो बराबर मकदार में हम लेते जाएंगे या इसमें से और कस्टर्ड बनाते जाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। चीनी हर चीनी मैंने यहाँ चीनी हर कस्टर्ड में 2-2, 3-3 खाने के चम्मच डालूंगी, आप अपने जायके के मुताबिक हसबे ज़रूरत डाल लीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था तो अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ पिंक स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाऊँगी। सबसे पहले ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाएंगे। पहले मैं इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में गरम है, इसमें अब ये मैं डालती हूँ। मुसलसल चम्मच हिलाना है, नीचे ना लगे। इसमें 1 कतरा ये लाइट कलर है तो 1 कतरा ये कलर का डालेंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा। सब में मैंने 1-1 कतरा कलर का डाला है। ये हमारा तैयार हो गया कस्टर्ड, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडा होके और गाढ़ा होगा। तो इसको साथ साथ आप जब तक दूसरे कस्टर्ड तैयार होते हैं तो इसको भी साथ साथ आपने हलाना है कि इसके ऊपर बलाई ना आए। तो चले मैं ग्रीन कलर का बना लेती हूँ। ये दूध मैंने उबाल के रखा हुआ है, अभी गर्म ही है। अब इसमें ये मैं ग्रीन कलर का डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे पकाऊँगी। ये कस्टर्ड के कलर हल्के होते हैं तो इसलिए मैंने सब कस्टर्ड में कलर 1-1 ड्रॉप डाल दिया। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, वरना ग्रीन कलर कस्टर्ड का नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने डाला है। तो ये पकता है तो फिर मिलते हैं। ये ग्रीन कलर भी तैयार हो गया है, इसको भी ज़्यादा थिक नहीं करना, बस इतना करना है, ये ठंडा होकर खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। जैसे आप ये बनाते जा रहे हैं और साथ साथ जो पहले कस्टर्ड आपने तैयार करके रखे हैं उनको भी हिलाते जाना है, ऊपर बलाई ना आए ठंडा होकर। तो फिर अब मैं दूसरा बनाती हूँ। इसमें मैंने चीनी डालना भूल गई थी, 2 चम्मच चीनी डालनी है और 2 मिनट दोबारा पकाती हूँ तो फिर मैं अगला बनाती हूँ। ग्रीन कलर में मैंने चीनी डाल के पका के रख लिया, अब ये मैं येलो कलर का बना रही हूँ तो इसमें दो
सबसे पहले आपने चीनी डालनी है, वरना आप भूल जाएंगे मेरी तरह। ये 2 चम्मच चीनी के डाल दें या थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा चीनी लेते हैं तो वो ज़्यादा डालें। ये जब तक ये तैयार होता है तो फिर मिलते हैं। ये येलो कस्टर्ड भी तैयार हो गया है, तो अब मैं वाइट कलर का बनाती हूँ। इसमें 2 चम्मच चीनी के डालेंगे, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। ये मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा हुआ है वाइट कस्टर्ड बनाने के लिए, तो इसको मिक्स, ये इसको डालती हूँ हला के। ये मैं बना लूँ तो फिर मिलती हूँ। ये वाइट कस्टर्ड भी तैयार हो गया है, तो अब ये मैं सबको ठंडा कर लेती हूँ, तो फिर आगे बनाती हूँ। कस्टर्ड हमारे ठंडे हो गए, अब सबसे पहले ये इस लेयर्स लगाएंगे, पहले केक रखेंगे। ये सबसे पहले बोल में केक रखेंगे और उसके ऊपर दूध लगा दें या शुगर सिरप लगा दें। मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, आप अगर दूध लगाना चाह रही हैं तो दूध लगा दें। उसके बाद ये कस्टर्ड जाएगा। अब ग्रीन कलर जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा फल डालेंगे। अंगूर के मैंने बीज निकाल लिए हैं, मुंह में जाए तो अच्छे नहीं लगते, आप भी अगर हो तो निकाल लें। थोड़ा थोड़ा सारा फल जाएगा। ये सेब डालेंगे अब जो काट के रखे हैं। अनार डालेंगे।
अब दोबारा से ये केक की लेयर लगेगी। मैंने केक थोड़ा डाला है, आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। ऊपर शुगर सिरप डालूंगी। और इसके ऊपर ये वाइट कस्टर्ड जो बनाया वो करेंगे। मैंने तमाम फलों की केक लगा के लेयर्स लगाई थी, ऊपर कस्टर्ड डाला है, फिर दोबारा केक डालकर तो ऊपर दोबारा केक डाला है। और ये अब मैं वाइट कस्टर्ड डाल रही हूँ इसके ऊपर दोबारा से। ये इसके ऊपर ये दोबारा से तमाम थोड़े थोड़े फल जाएंगे। केक के ऊपर मैंने वाइट कस्टर्ड लगाया है, ऊपर दोबारा फल डालें। अब इसके ऊपर ये दोबारा से ये पिंक कलर डालेंगे कस्टर्ड। आप ग्रीन कलर डालेंगे। ग्रीन के बाद ऊपर येलो डालेंगे। ऊपर क्रीम डालेंगे। थोड़े से केले थोड़े से अंगूर। थोड़ा सा अनार। जेली डालेंगे। Gracias.
ये देखिए माशाल्लाह ये तैयार हो गया है। और अगर आपके घर में हो कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी या कोई दावत तो इसमें ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। ये मैं नीचे से भी दिखाती हूँ आपको, देखें कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह।